नशे को लेकर रीवा आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने जंग छिड़ी हुई है। लगातार मादक पदार्थ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। विगत कई माह में नशीली कफ सिरप को लेकर बड़ी जब्ती की गई है। तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। आईजी के निर्देशन पर रीवा एसपी विवेक सिंह द्वारा तस्करों पर नजर बनाए हुए हैं। इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज मुखबिर की सूचना पर रीवा के ज्वैस तम चौराहे से पुलिस लिखी गाड़ी से कवाड़ी मोहल्ले में नशीली कफ सिरप उतारने आए युवकों को हिरासत में लेकर पड़ताल की गई। सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि दो लोगों को पकड़ा गया है। एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। सीएसपी ने बताया कि पकड़े गए युवकों ने मैदान का पता बताया, जहां एक कमरे से तकरीबन 2.5 लाख रुपए की नशीली कफ सिरप बरामद कर ली गई। सूचना प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी में ऑनरेक्स प्रतिबंधित ऑनरेक्स कफ सिरप की को कबाड़ी मोहल्ला में उतारने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। इस संबंध में यातायात ट्रैफिक द्वारा पॉइंट्स लगाए गए थे, तो यातायात पुलिस के अखिलेश द्वारा देखा गया कि क्रेटा गाड़ी आई है, तो तत्काल उसके द्वारा गाड़ी को रोका गया। चूँकि वो पेटियां उतार चुके थे, तो गाड़ी को रोकते हुए तत्काल सिविल लाइन थाना प्रभारी को सूचना दी एवं सूचना मुझ तक आई। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में बात लाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार आगे कार्रवाई करने के लिए एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसमें मयंक सिंह था जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसे पकड़ा गया एवं क्रेटा गाड़ी को थाने में रखा गया, जानकारी ली गई। दो व्यक्ति भाग गए थे जिसमें एक प्रसून मिश्रा था और कुंदन, तो प्रसून को ढेखा के पास पकड़ा गया है जिसमें, और कुंदन फरार है अभी, तो उसकी तलाशी उसको जानकारी ली जा रही है कि अभी कहाँ है, पता तलाशी की जा रही है। गाड़ी के मिलने के बाद जो व्यक्ति पकड़ा गया उससे जानकारी प्राप्त की। जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी मिली कि मैदानी में एक कॉलोनी है जहां एक मकान में कुछ अवैध रूप से पेटियां रखी गई हैं ऑनरेक्स कप सिरप की। जानकारी में बताए अनुसार स्थान पर गए और स्थान पर जाकर पाया गया कि प्रतिबंधित कप सिरप रखा गया है, जिसमें 1166 सीसियां प्रतिबंधित ऑनरेक्स कप सिरप जब्त किया गया, जो लगभग 2,10,000 रुपये कीमत का है। क्रेटा गाड़ी जब्त की गई जो लगभग 17 लाख रुपए की है। कुल कीमत की जो मशरूका है वो लगभग 20 लाख रुपए की जब्ती की गई है। और प्रतिबंधित ऑनरेक्स कप सिरप पर थाना सिविल लाइन मृगेंद्र गौरव साइबर सेल की हमारी पूरी टीम रही और सिविल लाइन की पूरी टीम ने कार्यवाही की है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। और अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो भी संबंधित व्यक्तियों के नाम आते हैं आगे उसमें विवेचना में लेते हुए कार्यवाही की जाएगी। अभी संबंधित विषय में जानकारी ली जा रही है और आगे जो भी कार्यवाही होगी उससे आपको सूचित किया जाएगा। ये मयंक सिंह, अभी पूछताछ लगातार जारी है। अभी हमारे पास जो व्यक्ति हैं आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। संबंधित विषय में जो भी आगे जानकारी होगी उसको विवेचना में लिया जाएगा और अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।